बच्चों, आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं, वो है वाच्य। वाच्य आपके हिंदी व्याकरण में बहुत ही उपयोगी है और इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है। तो वाच्य जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, उन्हीं को ही हिंदी में हम बोलते हैं वाच्य। वाच्य ये जिसे किसी वाक्य का मूल आधार क्या होती है, क्रिया होती है। तो क्रिया का रूप सदा एक समान नहीं रहता है। क्रिया में कर्ता, कर्म, इस तरह की क्रियाएं आपस में होती रहती है जो वाक्य का निर्धारण करती है। जैसे मनोज साइकिल चलाता है, ये एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, मनोज साइकिल चलाता है। तो जो मनोज साइकिल चलाता है, इसमें देखो, इसमें इस वाक्य में क्या चीज प्रधान है, इसमें कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है? मनोज। दूसरा सेंटेंस है, मिनी नाच रही है। मिनी नाच रही है, रही है। इसमें जो प्रधान है वो है कर्ता, कर्ता यानी कि मिनी। तीसरा सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं, उससे पढ़ा नहीं जाता। उससे पढ़ा नहीं जाता। तो ये जो सेंटेंस है, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें जो भाव प्रधान है, जहां इस तरह के वर्ड आ जाते हैं कि उससे ये काम नहीं हो सकता, कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया जाता है, इस तरह के जहाँ सेंटेंस आ जाते हैं उसे बोलते हैं हम भाव प्रधान, उन्हें भाव प्रधान बोला जाता है। और अधिकांश जो होते हैं भाव प्रधान सेंटेंस जो होते हैं उनमें नेगेटिव ही आता है। हर सेंटेंस की नहीं कह रही हूँ, अधिकांश में नहीं वर्ड आ ही जाता है। तो उससे पढ़ा नहीं जाता, ये कुछ किसी के बारे में बताया गया है, तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो है भाव प्रधान। अगला सेंटेंस लिखती हूँ मैं, अनीता के द्वारा, अनीता के द्वारा सब्जी काटी जा रही है। सब्जी काटी जा रही है, काटी जा रही है। क्या सेंटेंस है हमारा? अनीता के द्वारा सब्जी काटी जा रही है। तो इसमें हमारा जो है कर्म प्रधान है। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? किसके द्वारा सब्जी काटी जा रही है, तो कोई कार्य अवश्यंभावी यहाँ पर हो रहा है। तो ये सेंटेंस हुआ कौन सा? कर्म प्रधान। ये तो हो गया कर्म प्रधान, ये हो गया भाव प्रधान, और ये दोनों सेंटेंस हो गए कर्ता प्रधान। ठीक है, एक बार समझ लें। मनोज साइकिल चलाता है, कौन चला रहा है? मनोज। तो कौन है? कर्ता। मिनी नाच रही है, तो मिनी कर्ता है ना। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो जान नहीं जाता, नहीं हो पाता, इस तरह के जहाँ वर्ड होते हैं आ जाते हैं वह हम भाव प्रधान बोल देते हैं। तो ये भाव प्रधान है। उसके बाद अनीता के द्वारा सब्जी काटी जा रही है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कर्म की प्रधानता है। किस पे जोर दिया गया है? जैसे अनीता को वो तो इसमें कम बताया गया है, लेकिन क्या मेन काम क्या हो रहा है कि सब्जी काटने का काम हो रहा है, तो कर्म हो रहा है, तो ये कर्म प्रधान है। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां समझेंगे वाच्य के भेद। पहले परिभाषा ले लेते हैं। क्रिया का वह रूप
जिससे ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव। परिभाषा लेते हैं सबसे पहले। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो, जिसमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म, कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव, अथवा भाव वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में कहां पे देखना है हमें इस चीज को, सेंटेंस के अंदर वाक्य में कर्ता प्रधान है यानी कि काम को करने वाला प्रधान है, या वो काम प्रधान है, या कर्म पे जोर दिया गया है, या भाव पे, है ना। वह इस तरह का सेंटेंस जहाँ पर इन तीनों की चीजों की प्रधानता होती है वो वाच्य कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, वाच्य की परिभाषा कंप्लीट हो गई, अब पढ़ेंगे वाच्य के भेद। हमें परिभाषा में ये चीज मिल रही है कि कितने भेद हैं। देखो यहाँ पे हमारे तीन सेंटेंस आए, एक तो कर्ता, कर्म और भाव। तो भेद में भी यही होता है, कर्ता, कर्ता को बोलते हैं हम कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए कृतवाच्य यहाँ कर्ता प्रधान है, यहाँ कर्म प्रधान है, और यहाँ पर भाव प्रधान है। कृतवाच्य का कुछ लेते उदाहरण। कृतवाच्य सबसे पहले हमने लिया है, कृतवाच्य इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है और जो क्रिया होती है वो लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ पे प्रधान कौन है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, प्रधान है कर्ता ठीक है, और क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं, लिंग वचन, वह किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार होते हैं ठीक है। कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं चलती है, इसमें सकर्मक भी चलती है, सकर्मक
और अकर्मक। ठीक है, तो कृतवाच्य को देख लेते हैं एक बार फिर से। इसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोला जाता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें जो क्रिया होती है वो लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार होता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक भी क्रिया होती है और अकर्मक भी क्रिया होती है, जिसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो सकर्मक कर्म सहित प्रधानता, अकर्मक यानी कर्म की प्रधानता मात्र होती है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस प्रधानकर्ता, लिंग वचन कर्ता के अनुसार, सकर्मक और अकर्मक। इसके कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिखती हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। इस सेंटेंस को एक बार देख लीजिए, इसमें कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। और सब चीजें पर इतना जोर दिया गया नहीं है। किसने किया काम? प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, जिस भाषण किसने दिया, मुद्दे किसने उठाए, सब प्रधानमंत्री ने किया। तो मेन कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये कर्ता की प्रधानता हो गई। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मैं रोज शाम को एक घंटा खेलता हूँ। रोज शाम को एक घंटा खेलता हूँ। खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं। खेल खेलने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? मैं के द्वारा। तो यहाँ पे कौन प्रधान है? मैं मतलब कर्ता। कर्ता यहाँ पे प्रधान है। तो जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहां कृतवाच्य होता है। एक सेंटेंस छोड़ लेते हैं हम। इसी का एक सेंटेंस और लेके देखते हैं। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। यहाँ पे देखो, हमने बोला था कर्तवाच्य में क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया तो मतलब क्रिया कर सकता था राहुल द्रविड़, शतक लग सकता था, लेकिन किसी कारण से वो शतक नहीं लगा पाया। तो कौन सी क्रिया हो रही है? अकर्मक की क्रिया हो रही है। लेकिन मेन कौन है? अकर्मक होने के बाद भी कर्ता प्रधान है दोनों क्रियाओं में। तो राहुल द्रविड़ यहाँ पे प्रधान है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य। इसके बाद हम लेते हैं कर्मवाच्य। कर्म वाच्य कर्मवाच्य को बोलते हैं इंग्लिश में पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसमें प्रधान कौन होगा?
प्रधान होगा कर्म। और क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। क्रिया के जो लिंग और वचन होंगे, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे लड़की के द्वारा सेव काटा गया, यहाँ किसको प्रधान बताया गया है? देखो, कर्म प्रधान है तो लड़की को इतने वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हुआ? सेव कटा, क्या काम हुआ? सेव कटने का काम हुआ। और क्रिया लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म क्या आ रहा है? सेव। तो हम यहाँ बोल रहे हैं के द्वारा सेव काटा गया। कौन सी क्रिया हुई? सेव काटने की। उसके बाद दूसरा, मोहन के द्वारा, रोटी खाई गई। देखो, के द्वारा, एक बार ध्यान देने की है यहाँ पे, कर्मवाच्य में क्या चीज आ रही है? के द्वारा, इसमें भी के द्वारा। तो कर्म क्या हो रहा है? रोटी खाने का, ठीक है। और एक सेंटेंस इस पे भी ध्यान दो कि जिसे गया, गई, मतलब काम हो गया। अगला सेंटेंस है, दशहरा मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है, इसमें क्या, किस बात पे जोर दिया जा रहा है? दशहरा मनाया जाता है में क्या काम हो रहा है? मनाने का, सेलिब्रेशन करने का। किसको मना रहे हैं? दशहरे को। लेकिन काम क्या हो रहा है? मनाने का, जाता है, ठीक है। तो काम हो रहा है जाता, मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दशहरा। तो कुछ काम हो रहा है, मनाने का काम हो रहा है, सेलिब्रेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो क्रिया कर्म हो रहा है, इसलिए कर्मवाच्य। अगला सेंटेंस हम लेंगे, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ठीक है, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है? सेलिब्रेशन का काम हो रहा है। किस, क्या मनाया जा रहा है? दुर्गा पूजा। कहाँ पे? बंगाल में। तो मेन चीज क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। यदि हम इसमें से ये सेंटेंस हटा देंगे तो वाक्य अधूरा सा हो जाएगा। तो हमने गौर किया कि काम हो रहा है या हो गया, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। मनाई जाती है, मनाया जाता है, या ऐसा होता रहता है ना, ये काम हो गया। तो कौन सा प्रधान है यहाँ पे? कर्म प्रधान है, ठीक है। तीसरे नंबर का है जो है, वो है भाववाच्य। तीसरा नंबर का जो हम लेते हैं, भाववाच्य।
महावाच्य को बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस, इम पर्सनल वॉइस। ठीक है, इम्पर्सनल यानी कि हमारे अंदर की जो छुपी हुई भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं जो उसमें प्रकट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम भाव वाक्य। इन वाक्यों में भाव प्रधान होता है। इसमें प्रधान कौन रहेगा? भाव प्रधान रहेगा। जिसे उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो जब जब इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, मतलब कुछ काम वो कर तो सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन लिखा नहीं जाता, इस पे ध्यान दें, नहीं और जाता पे, नहीं और जाता, दो वर्ड आ रहे हैं। ये जाता जो वर्ड है, जाते हैं, करते हैं, खाते हैं, हो गया, उससे बिल्कुल अलग है। जाता, इसमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, और अधिकांश जितने भाव अच्छी होते हैं उन सब में भाव की प्रधानता रहती है, तो भाव इसी तरीके से प्रकट किए जाते हैं। आप डेली लाइफ में भी अपने बोलकर इन शब्दों को देख सकते हैं। दूसरी लाइन है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ पर भी देखना, नहीं जाता क्या नहीं हो रहा है, चलना या लिखना। ठीक है, तो मतलब चल तो सकते थे लेकिन अब चला नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाव की प्रधानता है, और जब भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य बोलते हैं। इनके कुछ नोट करने योग्य बिंदु बताती हूँ मैं आपको। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, देखो, नहीं लिखा, नहीं चला, नहीं, इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। राय निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयोग होते हैं, वाच्य में प्रयोग होते हैं, होते हैं। देखो यहाँ पर निषेधात्मक है, उससे लिखा नहीं जाता, नहीं जाता, चला नहीं जाता, मतलब तो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाच्य, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तीन तरह के वाच्य होते हैं, कर्म, कर्ता और भाववाच्य।
कर्ता में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाची में भाव की प्रधानता होती है। थैंक यू।